जी मैं हूँ आपका मेहमान आज मेरे होगी से आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मैं उस ऑपरेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मस्जिद जमात यानी कि तरीके लबैक की जाने से जो धरना दिया जा रहा था उसके मुकाबले जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। उस वक्त पुलिस रेंजर्स और तमाम गली मुकाम यहाँ पर मौजूद है। ऑपरेशन इस वक्त शेलिंग हो रही है, आज मैं दिखाता चलूँ आप देखा चलिए यहाँ पर एक पुलिस की एक बाल पत्नी जो है मौजूद है लेकिन पहले भी उसको शेलिंग भी की जा रही है यहाँ पर जितने भी उसके सामना करना पड़ा। दूसरी जाने जो है मस्जिद जमात के जो कार्यक्रम है यानी कि तरीके लबैक के जो कार्यक्रम है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जाने से उन पर शामिल की जा रही है, उनको मारा जा रहा है और पकड़ पकड़ का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसको करने से देखा कुछ जो मस्जिद जमात के जो कार्यक्रम थे तरीके लबैक थे उनको पकड़ा भी गया है, उनको पकड़ के जो है पत्थर पर गाड़ियों में भी डाला गया। इसके अलावा जो चैलेंज की गई है गाड़ी चार्ज भी हमने सब देखा है यहाँ पर होते हैं और ये वक्त जो है ऑपरेशन के बाद कुछ ट्रैफिक जो है ओपन कर दी गई है। इससे थोड़ा पहले ट्रैफिक ओपन की गई थी लेकिन दोबारा से पथराव शुरू हो गया था। उस पथराव के बाद जो है दोबारा ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था लेकिन ऑपरेशन इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। मेरे समय आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी गई है। 24 घंटे से यहाँ पर ट्रैफिक जो थी वो मुसलसल तौर पर बंद थी और ये 12 दिन का मकान है यहाँ से इस्लाम आबाद बल्कि पूरे मुल्क से जो माल बदार गाड़ियाँ हैं वो सामान लेकर मरी और कश्मीर जाते हैं और इनका जो रूट है वो यहाँ से 12 दिन से होती रहता है। इनको रोका जाता पिछले 24 घंटे से तो इस वक्त अपडेट करने के बाद इन तमाम जो गाड़ियाँ उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। उनको ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। आप लोग देख सकते हैं जो गुप्त सरकार है दूसरी जानब पुलिस और रेंजर्स के जो अहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं। जिले ही इंतजामिया जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं कि मामला कब जाकर निपटता है।